हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ भट्ट। आज इस वीडियो की ऐसा पंखा बनाएंगे, बिजली नहीं है नो टेंशन, सोलर पैनल नहीं है नो टेंशन, बैटरी नहीं नो टेंशन, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करनी। ऊपर से फ्रेंड्स पैसा दोस्तों बहुत ही कम लगने वाला, ना कि बराबर। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द मजा आने वाला है इस वीडियो, प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक पर, समर एक्सपेरिमेंट। अरे यार तुम तो भाई हो अपने, कोई कुछ कह रहे कह दे समर एक्सपेरिमेंट हमारा भाई है, वो बात अलग है। पैसे मांगे, मैंने पता नहीं किस किस से उधार ले रखा है। हाँ तो क्या होगा, पैसे दे देना, पैसे मांगे तो भाई हो तुम्हारा। तो भाई यहाँ पे हम ले लेंगे प्लाई। देखियो ये बहुत अच्छी लकड़ी है, देख सकते हो तो काफी मजबूत है ये। और मैं चलिए फ्रेंड्स फटाफट कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 17.5 और 17.5 इंच के दो पीस कट कर लिए हैं, और इनकी जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मुझे दो बेरिंग इसमें फिट करने हैं, नन्नू से छोटे मोटे से बेरिंग है। चलिए इसकी कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं। तो दोस्त का अंदर का जो डायमीटर है वो देख सकते हो, अप्रोक्स 6 mm, तो इसमें शाफ्ट भी 6 mm की लगेगी। और बाहर से देखते हैं भैया कितना है, ये है फ्रेंड्स अप्रोक्स 19 mm। तो चलिए दोस्तों मैंने इसकी डायमीटर बता दी, अब फटाफट इन्हें इनके अंदर फिक्स करते हैं। मैंने कहा था ना कि आपके भाई के पास सारे औजार हैं, कोई टक्कर नहीं लेगा। चले दोस्तों फटाफट होल करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर होल कर दिए हैं, और भाई चेक करते हैं कि यहाँ पर ये आ रहे नहीं आ रहे। वाह बहुत ही बढ़िया, उमदा देख सकते हो, दोनों अच्छी तरह से आ चुके हैं। निकल भाई तो भी निकल। अब यहाँ पर लेते थोड़े से बड़े भाई साहब, यानी बड़े बैरिंग। चलिए इनकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो भाई इसके जो अंदर का डायमीटर कितना है, वाह है यह है 17 mm, और भार का जो है डायमीटर वह है लगभग 35 mm। यहाँ पर मैंने 19 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे, तो 19 सेंटीमीटर पर दो मार्क लगा लिए हैं बिल्कुल मिनट में। फ्रेंड्स ये 7 सेंटीमीटर है, तो लगभग 35 मिड पॉइंट आएगा इसका, और ऊपर से 19 सेंटीमीटर में यहाँ पर मैंने मार्क लगा लिया। और वैसे भी यार ये होम मेड है, ठीक है, आप जैसा चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। चलो फ्रेंड फटाफट इन बैरिंग को भी यहाँ पर फिट करते हैं, उसके लिए हमें होल करना होगा। तो भाई होल कैसे करेंगे, लिया हुआ बहुत सारे औजारों की तो भाई कमी नहीं है। देखते हैं भाई कौन कौन सा लगता है ये हाँ शायद ये काम कर जाएगा, क्योंकि फ्रेंड ये थोड़ा छोटा है, और ये तो भाई लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। नहीं 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 थोड़ा घिस लेंगे, पहले हम इससे होल करके देखते हैं। होल हो चुके हैं, चले इन पर बैरिंग लगा के देखते हैं। वाओ बिल्कुल फिक्स। अब यहाँ पर मिलेंगे एक एक्सल, जो कि फ्रेंड चैन गियर पर होता है, आपने देखोगे पैंडल लगते हैं उसके बीच में ये रहता है। और भाई देखेंगे इसे फिक्स करके, देखिए आपको इतने बैरिंग लाने पर देगी, इतना डायमीटर लाना जिससे आराम से एक्सल इसके अंदर आ जाए। तो भाई ये वाले जो बैरिंग है ये तो इसके अंदर फिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए ये मुझे थोड़ा अंदर करना है, ये यहाँ पर अड़ रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड इसे थोड़ा घिस के थोड़ा पतला करते हैं। चलिए चेक करते हैं भाई, हाँ बहुत बढ़िया है, थोड़े से आपको टाइट रखने हैं जिससे फ्रेंड थोड़ा यहाँ पर चोट मार के इसके अंदर बिल्कुल फिटिंग हो सके, निकले नहीं। दोनों लग चुके हैं, अब भाई देखते हैं कि एक्सल किस तरह के सारे हैं। हाँ ठीक है, देखा जाए तो परफेक्ट वर्क करेंगे। अब यहाँ पर चाहिए मुझे एक बेस, आज मैं सारे पुराने लकड़ी का यूज कर रहा हूँ, कोई नहीं मजबूत कहाँ भाई, ओल्ड इज गोल्ड। ये मुझे इस तरीके से रोकना है, मैं यहाँ पर जिप्सम का यूज़ कर रहा हूँ, आप तो केलो का यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी तरह से ये फिट हो गया है, और देखिए अभी थोड़ा सा हिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाह क्या लग रहा है भाई साहब। तो भाई गर्मी का मौसम आ चुका है, यानी कि एसी कूलर और भी अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ एक इन्वर्टर और बैटरीज की जरूरत होगी, तो अब इन चीजों की मार्केट में डिमांड होने वाली है। तो जो भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में है, यानी कि लॉक द डील ऐप। इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे इन्वर्टर, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, और बड़े ब्रांड्स वो भी एक छत के नीचे मिलेंगे, जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिपगार्ड, एमरॉन और भी। और फ्रेंड्स लिपगार्ड ने लॉन्च किया एक नई रेंज ऑफ HKVA इन्वर्टर, जो घर और कमर्शियल सेगमेंट के लिए सुटेबल है। ये इन्वर्टर आपके घर और शॉप के सारे हैवी अप्लायंसेस का लोड उठा सकता है, जैसे कि एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी। तो आप पहले ही स्टॉक में करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए, जैसे कि डील्स, ऑफर, डिस्काउंट, किसी भी चीज के लिए आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर विजिट कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स ये लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन दोस्तों देखिए ये जो बेयरिंग है ये बेयरिंग यहां से निकल सकता है, अगर थोड़ा मैं देखिए ये निकल गया,
तो भाई इसे चिपकाने का भी जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मैं एमसील का यूज करने वाला हूँ। तो लीजिए भाई, इस पर एमसील लग चुकी है और अब इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं एक 8 इंच की रॉड ले रहा हूँ और एक प्रोपेलर ले रहा हूँ। अब प्रोपेलर में देखिए ये फ्रेंड्स, यहाँ पर या तो होल इसका बड़ा है या छोटा है। छोटा बड़ा कैसे है देखिए, अगर मैं ये जो बुश है इसे निकाल देता हूँ तो फ्रेंड जो अडेप्टर है इसका अगर से निकाल देता हूँ भाई, ये होल बड़ा हो जाता है। ऐसा लगा दो तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रोड इसमें आ नहीं रही है। अब यहाँ पर अडेप्टर निकाल तो नहीं सकते, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें रोड को एडजस्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा रफ करते हैं इसे। तो लीजिए भाई ये हो चुकी है और चलिए मैं आपको एग्जाम्पल अभी दिखा देता हूँ चलाकर। अब चला कर देखते हैं भाई। लो जी पंखा बन, लो जी पंखा बन गया, उल्टा चल रहा है। चलो सीधा कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई ये है चैन गियर जो कि साइकिल मिल जाता है आपको आसानी से, और जो रिपेयर शॉप होती है उस पर बहुत इजीली मिल जाएगा। 60-70 रुपये का पुराना लाया हूँ मैं और ये यहाँ लग जाएगा। और हाँ इसे फ्रेंड्स निकाल लें क्योंकि ये तो आप जानते हो भाई पैर रखने काम आता है, तो इसे आप निकाल लें। जो अंदर की रोड है वो ना निकालें, खाली पेंडल पेंडल निकालना है। चले भाई इसे यहाँ फिट करते हैं। इसे फिट करने के लिए एक क्वार्टर पिन की जरूरत पड़ती है, इसे फ्रेंड्स क्वार्टर पिन कहते हैं। ये भी आपको साइकिल शॉप पर ही मिल जाएगी। देखिए बॉस क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है साइकिल चला रहे हो भी हाथ से। बे आ जा, अब लगाते हैं इसको और भाई इसे चलाने का भी जुगाड़ देखना है। तो भाई यहाँ पे हम लगाने वाले हैं चैन स्प्रॉकेट, मजा आने वाला फ्रेंड्स काफी सारा। और देखिए यहाँ दोस्तों चैन चलेगी इस पर, लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है इसका होल काफ़ी बड़ा है और जो शाफ्ट है ये काफ़ी भाई क्या हो काफ़ी ही पतली मतलब ज़्यादा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ जिससे कि हम इसे बीच में बिल्कुल लगा सके। तो भाई यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक लोहे की हैवी पत्ती और इसे मैं इस जगह इतना कट करके वेल्ड कर दूंगा, उसमें होल भी इसके बिल्कुल मिड में कर दूंगा। लीजिए भाई यहाँ पर मैंने बीच में पत्ती वेल्डिंग कर दी, पर दो चार टाके मारने, इतना कोई हैवी लोड नहीं है इस पर। और देखिए यहाँ बेड में होल भी कर दिया, पहले पत्ती में होल कर दिया उसके बाद यहाँ पे वेल्डिंग कर दी है। देखते हैं भाई शाफ्ट इसके अंदर डाल के। चले फ्रेंड्स अब शाफ्ट पर भी वेल्डिंग कर देते हैं। तो काफ़ी मजबूती से मैंने वेल्डिंग कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ लगा कर देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए बैलेंस भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही चलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक कमी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ भाई इन दोनों पर कलर कर दूँ थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर रेड कलर कर देता हूँ। चलिए तो भाई ये सूख चुके हैं और देख सकते हो और बहुत मस्त कलर लग रहे हैं यार। चलिए रोड लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं इसकी चैन पर। तो भाई ये पुरानी चैन है काफ़ी, और ये भी मैं लेकर आया था सीधा, पुरानी चैन है तो नाप के देखते हैं इतनी ये कट जाएगी। चलिए फ्रेंड मैं काट के लगा देता हूँ, मैंने काफ़ी बार आपको दिखा दिया किस तरह चैन लगाई जाती है और निकाली जाती है। तो यहाँ पर मैंने चैन को कट किया है और जोड़ दिया है, और भाई देखते हैं कि फिट बैठती नहीं बैठती, वैसे फिट ही बैठेगी, मैंने नाप को ले क्या सारी चीज़ें। लीजिए भाई वाओ बहुत ही बढ़िया, देखिए क्या मस्त चैन चल रही है, बहुत ही बढ़िया, नहीं उतर रही है बिल्कुल फिट है, ना ढीली ना टाइट। तो भाई यहाँ पे कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स इसे घुमाने के लिए मैंने एक पीवीसी का 4 इंच का पाइप ले लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फिक्स आ रहा है। वाओ डन। तो चलिए फ्रेंड्स ये बन चुका है और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। देखिए और मैं सब पकड़ता हूँ, देखिए चैन बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। चले फ्रेंड्स अब इसकी प्रोपेलर पर आते हैं। ऐसे फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत सारी लेकिन फिर भी हम प्रोपेलर पर आते हैं, और काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की मेरे पास प्रोपेलर है, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम है कि भाई सब छोटी प्रोपेलर है। अगर फ्रेंड्स बड़ी प्रोपेलर आप ले लो तो वो कम चक्कर पर आपको अच्छी एयर प्रोवाइड करेगी। फिलहाल फ्रेंड्स मैं चले ये वाली लगा देता हूँ। चले फ्रेंड्स फटाफट से टेस्ट करते हैं। तो मैंने अपने हाथ में ले लिया झुंझुना और चले फ्रेंड्स देखते हैं भाई कितना काम ये करता है। ठीक है काम बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स
मैं कोई फेक वीडियो तो भाई नहीं बनाता, 100% रियल बनाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया दोस्तों, इसमें कुछ कमियां हैं और आप इसे बड़े लेवल पर बना सकते हो। देखिए अगर फ्रेंड्स के चेन गिरे, ये थोड़ा बड़ा लीजिए, बड़ी साइकिल लीजिए। जो फ्लाई व्हील है ये थोड़ा छोटा, छोटी साइकिल लीजिए। और फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रोपेलर, ये प्रोपेलर थोड़ी बड़ी, देखिए कितना गैप है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स काफी सारी बड़ी पर आप प्रोपेलर ले सकते हो और बहुत अच्छे तो वर्क है फ्रेंड्स, 100% रियल है और काम करता है। प्लीज दोस्तों मुझे जो बताया आपकी वीडियो कैसे लगी, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।